हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और गूगल शीट में हम क्या सीखने वाले हैं आइए आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था गूगल शीट में यूज होता है और वो था फ्लैटन। तो इज इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लैटन, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर जो ये हेडिंग्स पड़ी हुई हैं इनको मैं पूरा सिलेक्शन में ले लेता हूँ इस तरीके से। तो ये सिलेक्शन में लेकर के एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ था, अब ये वर्टिकली आ गया, तो ये तो फ्लैटन का यूज है। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ना कि ये कीबोर्ड है, ये जो आइटम के नेम है, प्राइस है, यूनिट है और ये टोटल है, सब एक ही अलग अलग एक ही कॉलम में आ जाए, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर रखिए इज इक्वल टू फ्लैटन लगाइए इस तरीके से, ये लगा दिया फ्लैटन, और फ्लैटन लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये हो गया। आप पूरा ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, यहां से पूरा सेलेक्ट करेंगे तो नेम ऑफ प्रोडक्ट भी आपको दिखाई पड़ेगा। कॉमा लगाइए, कॉमा लगाने के बाद आप पूरा प्राइस सेलेक्ट कीजिए, फिर कॉमा लगाइए, फिर आप पूरा यूनिट सेलेक्ट कीजिए, फिर कॉमा लगाइए और फिर आप सेलेक्ट कर लीजिए पूरा टोटल, बस हो गया काम। एक ही कॉलम में ये पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। आपका एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि नेम ऑफ प्रोडक्ट आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये नेम ऑफ प्रोडक्ट, फिर नीचे आएंगे तो उसकी प्राइस दिखेगी, तो यहाँ प्राइस भी लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने हेडिंग भी सेलेक्ट किया था। इसके बाद यूनिट भी दिख रहा है और यहाँ टोटल भी दिख रहा है। तो फ्लैटन करने के लिए यानी एक कॉलम में लेके आना चाहते हैं तो इसके लिए आप फ्लैटन का यूज कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। ठीक है।